हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे सलमान खान, साजिद नडियाडवाला और डेविड धवन की अपकमिंग मूवी किक 2 को लेकर। फ्रेंड, किक 2 इज फाइनली हैपनिंग। आप सबको पता है किक 1 25 जुलाई 2014 को रिलीज हुई थी और किस तरह उसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट लिया था। सलमान खान के उस डेविल वाले किरदार, उस डेविल वाले अवतार को सारी उम्र याद रखा जाएगा। तो ऐसे में चलते जहाँ सलमान खान के फैंस की भी ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि किक 2 का कुछ ना कुछ अपडेट शेयर किया जाए किक 2 के मेकर की तरफ से। तो फाइनली कुछ अपडेट्स आ गई हैं फ्रेंड्स जी। अपडेट्स ऐसी हैं कि किक 2 पे चुपचाप काम जारी है काफ़ी महीनों से। बताया जा रहा है कि इसकी स्क्रिप्ट 80-90% कम्प्लीट हो गई है। उसके बाद अब दूसरी कास्ट को देखा जा रहा है कि सलमान खान के ऑपोजिट कौन होगा और स्पोर्टिंग एक्ट्रेस में कौन होगा। फ्रेंड, एक जो नाम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रहा है वो आसिम रियाज, बिग बॉस का फाइनलिस्ट। कहा जा रहा है कि सलमान खान की ख्वाहिश है कि वो आसिम रियाज को अपनी मूवी में एक बड़ा सा रोल दें। अब ये मूवी पुलिस इंस्पेक्टर का भी हो सकता है या कोई अंडरवर्ल्ड डॉन का भी हो सकता है, कोई नेगेटिव भी हो सकता है, पर सलमान खान की ये ख्वाहिश है कि आसिम रियाज उनकी मूवी में कोई पार्ट प्ले करें। फ्रेंड, अगर सोर्सेज की मानी जाए तो सलमान खान और मेकर्स का प्लान है कि किक 2 को नेक्स्ट ईद यानी ईद 2024 को रिलीज़ किया जाए और इसकी शूटिंग भी जल्द आपको स्टार्ट होते दिखाई देगी। जैसे ही सलमान खान टाइगर 3 से फ्री होंगे तो वो किक 2 के लिए शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद फिर वो टाइगर वर्सेस पठान की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। इस दोनों पीरियड्स के बीच में एटलीस्ट 5-6 मंथ्स का गैप सलमान खान को मिल जाएगा किक 2 के लिए, जो कि आई थिंक काफ़ी होगा। फ्रेंड, कुछ फिल्म्स ऐसी होती हैं कि जिनका नाम लिया जाए कि यार इस मूवी का सीक्वल बनना है, तो बस उनका नाम सुन के ही हर बंदे के जहन में आता है कि इसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ने ही तोड़ने हैं। जैसे आप टाइगर 3 देख लें, किक 2 देख लें, हेरा फेरी 3 देख लें, क्योंकि इनके पहले पार्ट्स के साथ पब्लिक बहुत ज़्यादा अटैच होती है। बार बार इन मूवीज़ को पब्लिक ने, बच्चों ने सिनेमाघरों में देखा होता है। तो ऐसे में जब उसका सेकंड पार्ट आए तो एक्साइटमेंट एक अलग लेवल पर चला जाता है। फ्रेंड्स, की जो बाकी लीड कास्ट में है उसमें एक नाम जैकलीन फर्नांडिस का ही आ रहा है कि उन्हें कैरी ऑन किया जाए फर्स्ट पार्ट से। और एक जो नाम आ रहा है वो दिशा पटानी का है। हो सकता है दिशा पटानी आपको सलमान खान के ऑपोजिट दिखाई दे किक 2 में। ऐसे में चलते जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है किक 2 से रिलेटेड, हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।